नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। दशहरे के बाद दीपावली महापर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे दीपावली का दिन करीब आता है, घरों में साफ सफाई करने और सजावट करने के काम तेजी से होने शुरू हो लगते हैं। साफ सफाई के दौरान ऐसी कई पुरानी चीजें मिल जाती हैं जिनके बारे में अक्सर आप और हम कभी कभी भूल जाते हैं। धर्म और वास्तु शास्त्र में दिवाली की सफाई को लेकर कुछ अहम बातें बताई गई हैं। इसके अनुसार दिवाली की सफाई में कुछ खास चीजों का मिलना बहुत शुभ माना जाता है और ये इस बात का संकेत देती हैं कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा से खूब धन लाभ होने वाला है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की कृपा के शुभ संकेत। जेब या पर्स में रखे रुपए। दीपावली की सफाई के दौरान यदि जेब, पर्स या अलमारी में पैसे रखे मिल जाएं तो यह बहुत अच्छा संकेत है। यह आप पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होने का संकेत है। इस पैसे का उपयोग धार्मिक कार्य में करें, इससे आपके घर में खूब बरकत होगी। मोर पंख या बांसुरी। मोर पंख और बांसुरी भगवान कृष्ण की प्रिय चीजें हैं। कृष्ण जी भगवान विष्णु का ही अवतार है। यदि दिवाली की सफाई में मोर पंख या बांसुरी मिले तो आप ये मान लें कि आप पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा होने वाली है। शंख या कौड़ी। दिवाली की सफाई में यदि शंख या कौड़ी मिल जाए तो यह माँ लक्ष्मी की आप पर अपार कृपा होने की संकेत है। सफाई में मिली इन चीजों को धन स्थान पर रख लें। ऐसा करने से आपके घर में खूब सुख समृद्धि आएगी। चावल। यदि दिवाली की सफाई में कहीं पर रखे हुए चावल मिल जाएं जिनके बारे में आपको याद भी ना हो तो यह बहुत शुभ होता है। चावल या अक्षत का मिलना जीवन में सौभाग्य आने का संकेत है। अक्षत का संबंध माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से है, यानी कि सफाई में चावल का मिलना जीवन में धन बढ़ाने का इशारा है। लाल रंग का कपड़ा। माँ लक्ष्मी को लाल रंग बेहद प्रिय है। यदि दिवाली की सफाई में लाल रंग का कोरा कपड़ा मिले, इसे सौभाग्य समझकर अच्छे से रख लें। यह आपके जीवन में अच्छे दिन आने का इशारा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।